तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था साइंस से कि मानव शरीर में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, तो ये होते हैं जी 46, जो कि 23 पेयर बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है, तो ये था 131, जो कि जारी करता है UNDP, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसमें टोटल कंट्री है 189, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग से पूछा गया था 9:100 और फिर समान अनुपात 130, फिर उसके बाद अनुपात और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, तो ये आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, तो ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर प्रदेश अपनी सीमा कितने राज्यों से लगाता है, या फिर उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है, तो ये लगती है 8 राज्यों से, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि केंद्र शासित प्रदेश से किससे लगती है, तो वो लगती है दिल्ली से। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग से पूछा गया था CC अनुपात GD, फिर समान अनुपात LE, फिर अनुपात और फिर क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, तो ये देखिए पैटर्न किस तरह से फॉलो हो रहा था। सी के बाद नेक्स्ट में जी से मिला के देखा तो +4 ऐड हो रहे हैं, और ऊपर देखें सेकंड सी से डी से +1 ऐड हो रहा है। इस तरह यही पैटर्न इस पर फॉलो होगा और इसका आंसर बन जाएगा PF। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रीजनिंग से पूछा गया था 13, 14, 33, 60 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फुल फॉर्म पूछी गई थी, कंप्यूटर से था ये क्वेश्चन, GUI, जिसकी फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किस राज्य ने 1 School 1 IAS योजना शुरू की है, तो ये शुरू की है जी केरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था अकबरनामा के रचयिता, तो अकबरनामा के रचयिता कौन थे, अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन पैरा ओलंपिक से पूछा गया था कि पैरा ओलंपिक में भारत की तरफ से सबसे पहला पदक किसने जीता, तो ये जीता अवनी लेखरा ने, जो कि राजस्थान से हैं, इन्होंने भारत की तरफ से पहला गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सार्क में कितने देश हैं, तो सार्क में टोटल 8 कंट्री हैं, इसको हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, पेन MBBS के नाम के एक ट्रिक है, इससे इजीली याद हो जाएगा। पेन से पी से पाकिस्तान, ए से अफगानिस्तान, आई से इंडिया, एन से नेपाल और एम से मालदीव, बी से बांग्लादेश, फिर बी से भूटान और एस से श्रीलंका, तो इस तरह इजीली आप याद कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मटकी डांस किस राज्य का है, तो मटकी डांस मध्य प्रदेश राज्य का है। इसके अलावा आपसे असम का बिहू भी नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पूछा गया था सबसे बड़ा पानी में तैरता हुआ सोलर प्लांट भारत के किस राज्य में है, तो यह है तेलंगाना में और इसका नाम है राम गुंडम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नीरज चोपड़ा को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो आपको हाल ही में जितने भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो सभी याद करने होंगे, तो नीरज चोपड़ा को RBI और टाटा AIA का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इससे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि नीरज चोपड़ा जो जेवलिंग थ्रो करते हैं उसका वेट कितना है, तो उसका वेट 800 ग्राम है। इसके अलावा ये नीरज चोपड़ा भारत के दूसरे एकल स्पर्धा में ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने वाले व्यक्ति हैं, और पहले थे अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग से पूछा गया था दर्जी सिलाई करता है तो चित्रकार क्या करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था
गंगा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का पूछा गया था, 121, 441, 901, 691, 552, 552 और नेक्स्ट पूछा गया था कि यहाँ पे क्या आएगा। तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस तरह से यहाँ पे पैटर्न फॉलो किया गया है। जो फर्स्ट लेटर है वो यहाँ पे लास्ट में चला गया और लास्ट वाला फर्स्ट में, और जो बीच में था वो सेम रहेगा। तो ये बन गया 11 का स्केयर। इसी तरह 441 को अरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 12 का स्केयर। फिर थर्ड को अरेंज करेंगे तो 13 का, 14 का, 15 का, 16 का और यहाँ पे हमें 17 का इस तरह बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश से पूछा गया था, वरी वर्ड का सिनोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये पूछा गया था प्लासी का युद्ध जो कि 23 जून 1757 को हुआ था। ये हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी से थे रॉबर्ट क्लाइव, इनकी जीत हुई थी। तो नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में हुआ था। इसके अलावा पानीपत की लड़ाइयाँ जो कि फर्स्ट हुई थी 1526 में, सेकंड 1556 में और थर्ड हुई थी 1761 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत की दक्षिण गंगा। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होती है भारत की दक्षिण गंगा और दक्षिण भारत की गंगा, तो ये दोनों ही अलग अलग हैं। भारत की दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? तो ये गोदावरी को कहा जाता है, सेकेंड नेम है इसका। सबसे लंबी दक्षिण भारत की गंगा, सॉरी दक्षिण गंगा, और इसको बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। और अगर पूछा जाए कि दक्षिण भारत की गंगा तो ये कावेरी को कहा जाता है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, दक्षिण गंगा गोदावरी को और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत का मौजूदा खेल मंत्री कौन है? तो ये हैं अनुराग ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट पूछा गया था कि 2 गोल्ड मेडल पैरा ओलंपिक में लेने वाले पहले भारतीय जिन्होंने पैरा ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं वो कौन थे? देवेंद्र झांझरिया जो कि जेवलिंग थ्रो करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि नेक्स्ट शिफ्ट में पूछे जाने की पूरी उम्मीद है, मध्य प्रदेश की 2 नई योजनाएं, एक है EFIR और दूसरी है इंतजार आपका। तो ये पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। और मध्य प्रदेश ने T4 अवार्ड दिया गया है मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट शिफ्ट के भी इसी तरह हम क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और पास लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।